हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू जो हमारे घर में हमेशा ही रहते हैं। तो मैंने लिया है इसके लिए आधा किलो बेसन। हम इसे पहले हल्का सा थोड़ा भून रही हूँ, तब मैं इसमें घी डालूँगी। और मैंने लड्डू में डालने के लिए लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें भी मैं बारीक करूँगी। बेसन थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ घी। अब थोड़ा कर करके डाल सकते हैं जितनी ज़रूरत हो, अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ। अगर बेसन टाइट लगेगा तो थोड़ा और डाल दूँगी बाद में। देखो ये ऐसा हो गया है बेसन, अभी इसमें और ज़रूरत है घी की, तो मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच घी और डाल रही हूँ इसमें। अभी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इसको। ये अब ठीक है, इतना घी इसमें सफिशेंट है। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। देखो कैसा हो गया बेसन, बिल्कुल अच्छा। घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है बेसन के लड्डू में, कंजूसी करते हैं। ये इस पे बेसन ही लग गया था ऊपर, मैं चेक कर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, वाइट वाइट सा। अब देखो ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है भूनते भूनते, अच्छी सी महक आ रही है इसमें से, बहुत अच्छी। जैसा बेसन का हलवा बनाते हैं तब खुशबू आती है, भुन चुका है बेसन तो इसमें से खुशबू आ रही है अच्छी। अब मैं इसे रख दूँगी एक साइड। मैंने रख दिया ये एक स्टैंड नीचे, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये कढ़ाई। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ये बन रही है खीर, आज है फ्राइडे, फ्राइडे को हम बनाते हैं खीर, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम भोग लगाते हैं खीर का। ये बना दी है पायल ने, बनाई है आज काली दाल। अब मैं तब तक ये थोड़े से जो ड्राई फ्रूट लिए मैंने, मैं बारीक कर लेती हूँ। चाकू से काटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही पन्नी पर रख के इसको हल्का हल्का सा कर लूँगी। अखरोट आराम से टूट जाते हैं, तो ये तो आराम से हो गए हैं। अभी मैं बादाम इसके अंदर डाल के ऐसे और फैला लूँगी, और इमाम जस्ते वाली जो होती है मूसली, उससे ऐसे ये वन वन करके बादाम को बारीक कर लूँगी। इसमें ऐसे ना जब हम ऐसे करते हैं तो बिखरते नहीं हैं पन्नी के अंदर, देखो कितने अच्छे हो गए हैं। काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काजू सॉफ्ट हैं तो ये बेलन से ही हो जाएंगे। और देखो खीर बन गई है, और मैं माता रानी के लिए डाल रही हूँ। अब माता रानी को भोग में पीतल के बर्तन में ही लगाती हूँ अधिकतर, या चांदी के में। तो ये मैं माता रानी के लिए भोग, और इसमें मैंने शक्कर डाल दी क्योंकि इस भोग को खाएगी पायल, और पायल चीनी की चीज़ें नहीं खाती है। देखो पायल लगा रही है भोग माता रानी को। पूजा मैंने पहले ही कर दी थी, बस मैंने बच्चों को भूख लग रही थी तो उनके लिए भी खाना लगा दिया। देखो दोनों की प्लेट रेडी है, पायल ने आलू की सब्जी नहीं ली। अब मेरा खाना तो हो गया है, अब मैं बूरा छान रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो बूरा को छानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाद में ही ना ऐसे चीनी सी निकलती है इसमें, फिर ये मुँह में कई बार डली आ जाती हैं। तो बूरा छान ली मैंने, जो मेरे ड्राई फ्रूट थे सारे मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी। देखो ठंडा होने के बाद कलर और भी थोड़ा डार्क हो गया है, और कच्चे कच्चे से जो पीले पीले से होते हैं वो बच्चे खाते भी नहीं हैं। बच्चे कह देते हैं कि मम्मी इनमें हल्का कड़वापन सा है, तो इसलिए मैं थोड़ा डार्क ही रखती हूँ कलर लड्डू का। ये समथिंग 1 किलो के आसपास बूरा है, मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिला लूँगी। देखो ये अब ये बंद जाएंगे आराम से लड्डू, अभी इसमें और भी बूरा मिल सकती है 1 कटोरी के आसपास, लेकिन मैं और मिलाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर। तो अभी देखो मैं बना रही हूँ लड्डू। आ जाइए खा लीजिए, लो खा लो। देखो कितने प्यारे से लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और ये आज मैं फ्राइडे को ही कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, और लड्डू का बेसन वेसन साथ साथ ही कर रही थी सब।
मैं वैसे मना भी कर रही थी कि रहने दे दिखाने को, लेकिन अब कैमरे को दूर ले गया दिखा दिया एक बार, कह रहा आप बनाती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। अब देखो मैंने लड्डू बना दिए, कुछ पे मैंने ऐसे बादाम लगा दिए, आपका मन करे तो आप ऐसे सब पे बादाम भी लगा सकते हैं। और ये मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि इसमें अंदर तो मैंने डाल ही दिए हैं सब ड्राई फ्रूट। अब देखो बर्तनों का ढेर, कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, बहुत सारे। अब मैं ये बर्तन साफ़ करती हूँ, देखो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मैं रात को पीती हूँ ग्रीन टी 1 कप। ये ऑर्गेनिक की है जो मैं डब्बा ही लाती हूँ पूरा। 1 चम्मच ग्रीन टी डाल दी 1 कप पानी में, तब तक ये वो बॉईल हो रही है मैं भिगो देती हूँ मटर, क्योंकि कल बनेगी मटर चाट। ये मैंने धो के ले लिए थे, अब मैं इसमें डाल के पानी डाल दूँगी इसमें, इसको रख दूँगी ढक के। सुबह की तैयारी भी ये थोड़ी सी हो गई है, और देखो ग्रीन टी बन गई है, बॉईल आ गया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बस एक बॉईल आता है उतना बहुत है। और ये बन गई है मेरे लिए ग्रीन टी, लीजिए पी लीजिए ग्रीन टी। नमस्ते, बाय।